हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हैदराबाद में टी राजा सिंह हुए पास, आज हरुद्दीन क्यों हुए फेल? तो वो कह रहे हैं कि भैया वो तो हुए पास और ये बंदा हुआ फेल, क्यों भाई? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद वोटों से हार गए। वहीं हैदराबाद में भाईजान यानी उवैसी की नींद उड़ाने वाले टी राजा सिंह ने गोशा महल सीट से तीसरी बार जीत दर्ज की। इस सीट पर बीआरएस ने नंद किशोर व्यास और कांग्रेस ने मोगली सुनीता को राजा सिंह के खिलाफ उतारा था। गोशा महल में टी राजा सिंह को 80,182 वोट मिले। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को 21,457 वोटों के भारी अंतर से हराया। गोशा महल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीत कर मुझे बहुत खुशी महसूस। पूरी सेलिब्रेशन है, कितना बोलूंगा। 9 साल मेरा कार्यकाल देता है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशा महल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए MIM कांग्रेस BRS मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, धन बल उपयोग किया, यहाँ तक के जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 तो नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशा महल विधानसभा से मेरी जीत हो चुकी। अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहने वाले राजा सिंह को पिछले साल निलंबित कर दिया गया था, लेकिन टिकटों के ऐलान से पहले ही पार्टी ने 14 महीने बाद ही उनका निलंबन रद्द कर लिया और उन्हें गोशा महल सीट से टिकट दे दिया। बीजेपी ने पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के लिए निलंबित किया था। वो 10 साल पहले तेलुगु देशम पार्टी में थे, लेकिन पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अजहरुद्दीन की बात करें तो हैदराबाद के रहने वाले अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की धमाकेदार शुरुआत की थी। 2009 हालांकि वो 2014 में राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव हार गए। अभी वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। मुझे तो पता ही नहीं था कि अजहरुद्दीन जो है वो पॉलिटिक्स में आया हुआ है और उसने इलेक्शन भी लड़े हैं और हारा भी है इस बारी। मुझे तो आज पता चल रहा है हमेशा हार रहा है। हाँ, हमेशा ही हार रहा है और पॉलिटिक्स में आए हुए हैं भैया। क्रिकेटर्स का भी जैसे वो बॉलीवुड वाले होते हैं ना, जब वहाँ पे अपना प्रोफेशन जो होता है वहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पॉलिटिक्स में आ जाओ। नहीं, यहाँ पे तो तेलंगाना में लग रहा है बहुत ही डेंजरस पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप का गंद नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है, जो इलेक्शन हो रहे हैं वो क्लीन इलेक्शन होने चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि भैया इतनी सिक्योरिटी और इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है कि इलेक्शन फेयरली सब हो सके। क्योंकि देखो ये जीत के बाद भी बता रहे हैं
हैं कि बहुत पंगे हुए, स्लो इलेक्ट कराया गया पोलिंग बूथ में, स्लो करा किया धीरे धीरे, वो तुमने एक और वीडियो की थी उसमें वो बताओ, उसमें तो उन्होंने डिटेल में बताया था, इसमें तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही बताया कि भैया स्लो पोलिंग कर रहे थे बूथ में वहां पे जान पूछ कर, वहां तो उन्होंने बताया था कि वो अपने लोगों को ही माइनॉरिटी के की लेडीज को रखा हुआ था उन्होंने पोलिंग बूथ में, और माइनॉरिटीज को रखा हुआ था सिक्योरिटी टाइप के लिए जो अंदर वंदर लेके आते हैं और चीजें चेक करते हैं, तो उसमें वो एक एक का कार्ड देखने में ही इतना टाइम लगा रहे थे, हाँ 3-3 मिनट पता नहीं क्या कार्ड को देख रहे थे, इतनी 3 मिनट उनको लग रहे हैं कार्ड को देखने में, वो ऐसे देखते होंगे 3-3 मिनट यूं। देखिए तेलंगाना में तो यही है कि जहाँ पे रिलीजन की पॉलिटिक्स हो रही है वो बहुत डेंजरस बनता जा रहा है, वो तो है कि कोई इंसान नहीं देख रहा कि जो पावर में आया क्या वो अच्छा गवर्न कर रहा है, क्या उसकी अच्छी पॉलिसी थी, सब लोग यही देख रहे हैं कि भाई हमारे रिलीजन का बंदा ही आएगा, वही सब दिमाग में चक्कर ही है, और इवेंचुअली इन सब चीजों से लोग ऊपर उठेंगे, फिर देखेंगे भाई उसी को देंगे जो सबसे ज्यादा काम करता है, उसी को मिलना चाहिए, तब थोड़ी शांति आनी चाहिए उस जगह में, क्योंकि और ये सब दरार जो है, सब डिवीजन जो है, ये कांग्रेस ने पहले से उसके रूट्स कर दिए थे, उसके सीड्स जो डालते हैं ना कांग्रेस ने बचपन से ही वो लगा हुआ है लोगों को सेपरेट करने में, और अब ये रिजल्ट आ रहा है कि इतनी सेपरेशन हो गया बिकॉज ऑफ कांग्रेस, और खुद ही जो है ठीक है इस बार तो जीता है, बट आई डोंट नो कितनी देर तक कांग्रेस की ये टेक्निक चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि जिन्होंने उनको देखा है उसके बाद देखा है उनका काम, तो उन्होंने उसके बाद अगली बारी उनको रिजेक्ट किया ही है, तो होपफुली यहाँ पे भी तेलंगाना में भी उनको रियलाइज हो जाएगा काम कुछ इन्होंने करना नहीं है, और फिर अगले जब इलेक्शंस होंगे तो इनको फिर बोलेंगे टाटा बाय बाय। देखिए टी राजा सिंह जी को पहले उन्होंने कुछ बोल दिया था तो उनको हटा दिया, लास्ट मिनट वापस क्यों ले आए, क्योंकि उनको पता है कि लोग चाहते हैं कि वो आए और जीते हैं, और वो तीसरी बार जीते हैं। अब उनका मेरे ख्याल से गोल ये होगा कैसे एक्सपैंड करें, वही होना चाहिए, जैसे पहले मेरे ख्याल से एक सीट थी, एक सीट से 8 सीटें पहुंचे हैं, और 8 सीट से अभी और आगे बढ़ने के लिए ही इज द मेन पर्सन, उन्हीं को बोलेंगे आप कैसे एक्सपैंड करना करिए और आगे बढ़िए तेलंगाना में, और वो होगा। नहीं हमने इनकी कई देखी हैं भाई, देखो वही है कि जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे हो रही है वहाँ पे और कुछ सोच ही नहीं सकते भैया, उसको काटने के लिए क्या करे भैया, वो मजबूरी हो गई है, सैड सिचुएशन ये आई है ना, ओवैसी और उनके भाई साहब जो हैं जो बोलते रहते हैं exactly. उनका काउंटर करने के लिए, एनकाउंटर नहीं कह रहा, काउंटर मतलब उनका अगेंस्ट करने के लिए, उनका उल्टा करने के लिए ये तोड़ है हमारा राजा सिंह जी चाहिए चाहिए, और का भैया पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक ने जिता के बता दिया कि दे वांट हिम, क्योंकि उनको भी दिख रहा होगा कि सिचुएशन जैसे राजस्थान में देख नहीं रहे कितनी बुरी सिचुएशन है, वैसे ही तेलंगाना में भी वही सिचुएशन हो रही है, तो यू नीड समबडी जो क्लीन अप तो कर सके सिचुएशन और तेलंगाना को भी बेटर करे। अब देखते पहले कांग्रेस क्या अच्छा काम करती है, आई है ना पावर में, अब देखते क्या बढ़िया करती है वहाँ पे तेलंगाना में, लोगों के लिए सड़कें बनाती है, लोगों के लिए और अच्छे अच्छे काम करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाती है, क्या करती है देखेंगे, अब जितने 4 साल ये आते रहते हैं, 4 या 5 साल जो भी है, तो पर इट इज़ गुड कि ही केम, और ये बता भी रहे हैं कि जितनी चीटिंग हुई है, इतनी धांधलेबाजी हुई है, उसके बावजूद मैं जीता हूँ, अगर वो ना ही होती तो मैं और भी बड़े मार्जिन से जीता होता। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।